हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ डिजिटल पेमेंट सेंटर खोलने के 50,000 महीना आप अर्न कर सकते हैं अगर आप डिजिटल पेमेंट सेंटर खोलते हैं। जी फ्रेंड्स, आज हम इस डिजिटल पेमेंट सेंटर खोलने के लिए अगर आप 50,000 अर्न करना चाहते हैं, एक महीने की कमाई अगर 50,000 चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को फॉलो कीजिए, मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आप अर्न बहुत जल्द 50,000 पर मंथ कर सकते हैं। जी दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि नोटबंदी के बाद एक नए बिजनेस के मौके बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इकोनॉमी को कैशलेस बनाना चाहते हैं। जी दोस्तों, वो हम सबको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जो अपना अकाउंट है, अपना बैंक है, वो अपने हाथ में रखें। यानी वह चाहते हैं कि देश में ज़्यादातर लेन देन जो है वो डिजिटल तरीके से हो। जी दोस्तों, ऐसे में डिजिटल पेमेंट जो है वो सॉल्यूशन सेंटर में बिजनेस के काफ़ी मौके आ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें नेशनल पेमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कैशलेस शॉपिंग करनी है या फिर हमने कुछ भी बिल पे करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और बिजनेस इसके साथ साथ हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आपको खोलना पड़ेगा एक पेमेंट सेंटर। जी दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। जी फ्रेंड, जिसका मकसद ये है कि लोगों का बिजली बिल जो है, टेलीफोन बिल जो है, हाउस टैक्स जो है, वाटर टैक्स जो है, मोबाइल बिल, उसके अलावा दूसरे यूटिलिटी बिल और किसी भी तरह का जो पेमेंट है वो करने के लिए एक सेंटर मौजूद हो रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आपको डीपली और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक वेबसाइट जो है जिस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो है npci.org.in। जी दोस्तों, आप गूगल पे जाइए और ये वेबसाइट जो है वो सर्च कीजिए npci की। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और आप बनिए पेटीएम ऑफलाइन मर्चेंट्स। जी दोस्तों, कंपनी अपने डिजिटल वॉलेट में बढ़ते ट्रांजैक्शन को देखते हुए ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क जो है वो बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए पेटीएम जो है उसके 10,000 एजेंट्स भी बनाने जा रही है। ऐसे में आप भी कंपनी के साथ जुड़कर पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप paytm.com पे जा सकते हैं और वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर मिलता है कमीशन। जी दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप जब इस बिज़नेस के साथ जुड़ जाएंगे, अगर वहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन के बदले में आपको जो कमीशन है वो आपके पॉकेट में आएगा। जी दोस्तों, पेटीएम सहित दूसरी कंपनी जो हैं वो सेल्स का अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं। जी, ऐसे में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करके अपनी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। जी दोस्तों, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी अगर हम इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। यदि आप CSE खोलना चाहते हैं तो अपने पास 100 से 150 वर्ग फुट जो जगह है वो ज़रूर होनी चाहिए। कैसे बन सकते हैं CSE? जी दोस्तों, CSE जो बनने के लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। इसके ज़रिए आप csc.gov.in csc.government.in वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा। जी फ्रेंड्स, उसके ज़रिए आप CSE के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत पर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन रिक्वेस्ट करना होगा, जो आपके प्रपोजल की स्टडी करने के बाद आपको CSE का जो लाइसेंस है वो देगी।
मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप csc.gov.in पर जाएं और पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। अगर आप डिजिटल पेमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं, 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, जी दोस्तों ये मेरी वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आगे हम मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन और नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।